हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप आई होप कि तुम लोग अच्छे हो यार। एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं सॉरी, मैं वीडियोस में बहुत ज्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट वीडियोस अपलोड नहीं करने के कारण मैंने अपने नोट्स के प्राइसेस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। 50 रुपीज पर पेपर के हिसाब से आप अपने बीकॉम के नोट्स को खरीद सकते हैं। एंड नोट्स को खरीदने के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारे नंबर पर आपको फोन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के यू नो जिसका नंबर आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, जो बेल आइकन उसको दबा दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बन चुकी हैं। ये अगला वीडियो होने वाला जहां पे हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। एक एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट परमानेंट। तो डेफिनेशन है वो एंटरप्रेन्योर का, वो परमानेंट नहीं है। वी कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड कीप ऑन डिफाइनिंग द टर्म बाय लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, है ना। तो जो डेफिनेशन है वो एंटरप्रेन्योर का, वो एकदम फिक्स नहीं है कि वही डिफरेंट उसका डेफिनेशन होगा, बल्कि वो समय के साथ साथ जो है धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे आप उसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में सीखने को आपको मिलेगा, आपके बारे में जानकारी जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपके पास और ज्यादा होगी, तो आप डेफिनेशन में थोड़े बहुत जो वहाँ पे चेंजेस करोगे। तो हम क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या करते हैं, है ना, वो कैसे करते हैं और वो क्यों कर रहे हैं, है ना, कि वो उस चीज को क्यों कर रहे हैं, राइट। ये हम जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। Given below are the characteristic found usually in entrepreneur. तो नीचे जो हम अभी जो हम एक एक करके इसके characteristic पढ़ेंगे वो ये वही सारे characteristic हैं जो कि generally एक entrepreneur में पाए जाते हैं। सबसे पहला है they are visionaries and agile. वो जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा विजनरी होते हैं और अजाइल होते हैं। विजनरी का मतलब हो गया कि बहुत ही दूर की सोच रखने वाले, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि 1 साल 2 साल के बारे में सोचे इसको उनका उनका एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, क्योंकि दूर की सोच रहे हैं, बहुत ही दूर की सोच रहे हैं, उनको हम कहेंगे विजनरीज, है ना। अगला है दे आर मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो डेफिनेटली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वो नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं नई चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम ट्राइंग टू यू नो टेक योर क्लासेस ऑनलाइन, डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे की जा रही हैं, एंड आई होप कि आपको वो चीजें पसंद भी आएंगी। तो वो एक इनोवेटिव एंड क्रिएटिव होता है। तीसरा है दे ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखा है कि बहुत सारे एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको यू नो सही तरीके से नोट्स नहीं मिल पा रही, उनका एग्जाम का प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, एंड दैट इज वाई वी हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प दोज पीपल्स, हेल्प दोज यू नो स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन में यू नो अच्छे तरीके से हम मार्क्स लाने में हम हेल्प कर पाए, और इससे हमें बहुत खुशी होती है। एंड हमारा सोल मोटो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की हेल्प कर सकें, ताकि वो अपने मास्टर्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए और साथ ही साथ अपने बैचलर्स को भी। ठीक है, दे आर पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस एंड वर्क, एंड दे आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस एंड वर्क। जो भी वो बिजनेस या फिर वर्क कर रहे हैं वो उस चीज को लेकर के हमेशा ही बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं, उस चीज पे हमेशा ही बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दे आर रिस्क टेकर्स एंड हैव एपेटाइट फॉर टेकिंग कैलकुलेशन रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये लोग जो है होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं, वो हमेशा रिस्क लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भूख होती है वो रिस्क तो लेते हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रिस्क ले लिया, वो हिसाब करके लेते हैं कि चलो अगर हमारा नुकसान हो भी गया तो कितना का ही नुकसान होगा। ठीक है ना, इस तरह की चीजें हमारे मन में चल रही होती हैं। दे हैव प्रिजर्वेंस एंड रिजिलियंस, तो उनके अंदर जो है प्रिजर्वेंस एंड रिजिलियंस होती है, वो हमेशा यू नो शांत भावना से रह करके यू नो काम को करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो वो पैनिक नहीं करते हैं, बल्कि उस चीज को कैसे वो टैकल करेंगे, किस उस चीज को वो कैसे ओवरकम करेंगे उसके बारे में वो सोचते हैं। तो वो रिजिलियंस होते हैं और साथ ही साथ प्रिवरेंस भी उनके अंदर होता है। दे आर डिटरमाइंड एंड हैव एबिलिटी टू ओवरकम हार्डशिप, है ना। तो ये लोग बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं और किसी भी तरह की हार्डशिप से ओवरकम करने में लाइक इनको महारत हासिल होती है, लोग कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीज देखा जाता है कि वो बड़े से बड़े नुकसान को भी बहुत ही हंस खेल करके झेल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनका नुकसान हो रहा है लेकिन आने वाले समय में उनको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, दे आर द लीडर्स, और वो एक लीडर्स भी होते हैं। ठीक है, वो अपनी टीम को लीड करते हैं। दे आर फोकस्ड एंड एक्शन ओरिएंटेड, वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं और हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। दे आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, ये लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर वो अपने काम के प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगे तो वो कभी भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, राइट। तो उनका अकाउंटेबल होना, उनका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Now, they have the ability to sense the environment and convert adversity or problems into an opportunity and providing solution to it. है ना, तो वो हमेशा जो है यू नो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने की कोशिश करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर यू नो जो भी उनके पास नॉलेज एंड कैरेक्टर जो भी चीजें हैं उसके बेसिस पे वो जो है चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से, और वो कर भी पाते हैं। ठीक है ना,
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। थोड़ा छोटा वीडियो है, लेकिन अगर आपसे इसके डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए या फिर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाए तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन इजिली राइट। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। नोट्स के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बाय बाय। थैंक यू।